आज हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा टेबल्स में हम डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक मास्टर डिटेल फॉर्म बनाते हैं। हमारा पहले वाला प्रोजेक्ट है जो हमने मुकम्मल किया था, अब उसी में एक मास्टर डिटेल फॉर्म ऐड करके देखते हैं। ये एक लेआउट है जो पहले से मैंने बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स भी है, डेट टाइम पिकर कंट्रोल भी है, और टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, डाटा ग्रिड व्यू, ये वो सारे कंट्रोल्स हैं जो पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर चुके हैं। सिर्फ ये डेट टाइम पिकर का कंट्रोल है जो कि पहली दफ़ा यूज़ हुआ है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट की हैं, एक प्रॉपर्टी इसकी है फॉर्मेट, उसको कस्टम सेट किया है, और दूसरी प्रॉपर्टी कस्टम फॉर्मेट की है जिसमें पाकिस्तानी डेट टाइम फॉर्मेट मैंने दिया है, पहले दिन, फिर महीना और उसके बाद साल के लिए DDMMYY यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये भी हमें 10/8/2018 दिखा रहा है, 10 अगस्त 2018। तो ये हमारा फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हम कैसे, यकीनन इस फॉर्म में हमें दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। पहले हिस्से में हमारे पास ये सारे फील्ड्स हैं जिनका एक एक इंस्टेंस है। इशू नंबर भी एक होगा, इशू डेट भी एक होगी, मेंबर कोड जिसको इशू किया जा रहा है वो भी एक ही होगा, और दूसरा पोर्शन हमारा ये है जिसमें लाइंस हैं, यानी एक वक्त में एक मेंबर एक से ज़्यादा किताबें इशू करवा सकता है। उसके लिए क्या मतलब है कि व्हेन, जब भी एक से ज़्यादा इंस्टांसेस मौजूद हों तो डेटाबेस में वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। तो ऐसे फॉर्म के लिए हमेशा दो टेबल्स बनते हैं। तो एक हमारा इशू का टेबल होगा और दूसरा इशू डिटेल्स का टेबल होगा, जिसमें फॉरेन की के मदद से हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। चले आएँ इसको डेटाबेस में क्रिएट करके देखते हैं। डेटाबेस हमारे पास पहले से मौजूद है लाइब्रेरी DB के नाम से, और इसमें दो टेबल्स हैं, एक बुक्स का और मेंबर्स का। एक और टेबल हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। उस टेबल के अंदर हमारे पास कितने फील्ड होंगे, एक हमारे पास होगा इशू नंबर, इंटीजर इसकी डेटा टाइप होगी, और प्राइमरी की भी इस टेबल की यही होगी। और दूसरा हमारा इशू डेट, और इसमें डेट डाटा टाइप होगी, और तीसरा मेंबर कोड, किस मेंबर को बुक इशू की जा रही है उसकी भी इंटीजर डाटा टाइप होगी। ये तीन हमारे फील्ड्स होंगे किसके अंदर, मास्टर फॉर्म के अंदर। इसमें प्राइमरी की बनानी ज़रूरी है, इशू नंबर को हम यहाँ पर आकर प्राइमरी की बना लेते हैं, और ये प्राइमरी की बन गई। और अगर इशूज़ को हम ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, पहले ऑटो इंक्रीमेंट का कोई कॉलम बनाया हमने, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए हमारे पास आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन का फील्ड होता है। इस आइडेंटिटी को ट्रू करेंगे, आगे आइडेंटिटी इंक्रीमेंट एक का, और आइडेंटिटी सीट से मुराद है वैल्यू कहाँ से शुरू होगी। इसका मतलब है पहली वैल्यू 1 से शुरू होगी, और इंक्रीमेंट भी इसमें 1 का होता चलेगा। अब ये प्राइमरी की भी बन गई है और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर रहा है। तो अभी ये टेबल का नाम पूछ रहे हैं, हम कह देते हैं इशू बुक्स। एक टेबल बन गया, रिफ्रेश करते हैं और इशू बुक्स का टेबल आ गया। दूसरा टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में इशू नंबर, ये फॉरेन की आएगी हमारे मास्टर वाले टेबल से। दूसरा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर से मुराद है कि हमारा डिटेल में कितनी बुक्स हैं, पहली बुक का सीरियल 1, दूसरी का 2, तीसरी का 3, तो इस इशू के अगेंस्ट कितनी बुक्स इशू हुई हैं उसके लिए हम सीरियल बना लें। तीसरा बुक कोड होगा, ये भी इंटीजर टाइप का, और चौथा बुक क्वांटिटी, ये भी इंटीजर टाइप। डिटेल का टेबल बन गया। प्राइमरी की इसमें हमारे पास कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी जो कि दो फील्ड से मिलकर बनेगी, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। ये दोनों फील्ड ज़रूर यूनिक होंगे, सेव कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं इशू बुक्स डिटेल। ओके, अब हमारे पास मास्टर डिटेल के दो फॉर्म बन गए हैं, और इन दोनों फॉर्म्स को हम मैनेज करेंगे अपनी इस सिंगल स्क्रीन से।
अब हम बनाते हैं फॉर्म और इस फॉर्म से डाटा भेजते हैं। तो मेंबर कोड, हमने मेंबर कोड उठा के लाना है, बुक कोड उठा के लाना है। तो ये फॉर्म बनाया था हमने बुक्स का, ये वाला फॉर्म हम उधर भी खोल सकते हैं सर्च करने के लिए। मेंबर्स के सर्च का फॉर्म बनाया था? नहीं बनाया। मेंबर्स के सर्च का बनाना पड़ेगा, वो आप बना लेते हैं। ओके, एड न्यू विंडोज फॉर्म, उसका नाम रख देते हैं FRM सर्च प्रॉपर्टी में जाकर सर्च मेंबर स्टार्टअप पोजीशन सेंटर स्क्रीन और टूल बॉक्स में से डाटा ग्रिड व्यू और टूल बॉक्स में से बटन उठा लेते हैं, एक दो, एक बटन ओके का और दूसरा बटन एग्जिट का। एक सर्च बॉक्स के लिए टेक्स्ट बॉक्स उठा लेते हैं, और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको भी, और यहाँ एक लेबल लगा देते और इस लेबल के ऊपर लिख देते हैं सर्च आ। बटन के ऊपर टेक्स्ट चेंज करना है, इसको डॉक कर लेते हैं और टेक्स्ट लग देते हैं और इसका क्लोज। नेम देने के लिए डॉक्यूमेंट आउटलाइन की विंडो होती है हमारे पास, इसको हम नेम दे देते हैं। F2 दबाएंगे नाम LBL सर्च टेक्स्ट बॉक्स F2 TXT सर्च नंबर बटन BTN क्लोज BTN ओके। डाटा ग्रिड व्यू का नाम DGV मेंबर्स सर्च, या जो कन्वेंशन चलाई हुई है सर्च। सारे कंट्रोल सेट हो गए, अब इसको फिल करना है। फिल करने के लिए हम जाते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में और हमारे पास एक डायल है, हम सारों को पता है। हम डायल के ऊपर जाते हैं और डायल में जाकर हमारे पास मेंबर डायल है और मेंबर डायल में गेट मेंबर्स का ये फंक्शन है जो कि सारे मेंबर्स को गेट करके ले आता है। यकीनन BLL में भी बना हुआ होगा। BLL में जाते हैं और मेंबर BLL में सेव मेंबर और गेट मेंबर्स का है। अब हम सर्च मेंबर के बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम यूजिंग
dot library dot bin, और यहाँ पर हम कह देते हैं list of, कॉमन भी करना, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स भी करने पड़ेंगे क्योंकि हमें यूजिंग लाइब्रेरी लाइब्रेरी डॉट बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ हम कह देते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर, और हम कह देते हैं मेंबर इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ मेंबर, और यहाँ हम कह देते हैं मेंबर्स इज इक्वल टू न्यू मेंबर पीएलएल डॉट गेट मेंबर्स, ठीक हो गया। दिस डॉट डीजीबी सर्च मेंबर डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू मेंबर्स, ओके हो गया। अब जब इसको ओपन करना है तो मेंबर वाले फॉर्म से ओपन करके देख लेते हैं। मेंबर वाला फॉर्म किधर है, मैनेज मेंबर्स, और यहाँ सर्च में न्यू एफ आर एम सर्च मेंबर्स नॉट शो, चला के देखते हैं कि कैसे नज़र आता है। एडमिन एनबीसी लॉगिन पास मैनेज मेंबर्स सर्च लेंज, हाँ जी, ये जब क्लास डायग्राम से बनाए जाए मेंबर्स तो उसमें ये थ्रो का वो होता है इवेंट, इसको हम सेमी कॉलन से गुम कर देते हैं, इसको भी सेमी कॉलन निकाल देते हैं। तो ये हमने एक्सेप्शन हटा दिया है, आप मेरे ख्याल में ये एरर नहीं देगा। एडमिन ए बी सी टास्क मैनेज मेंबर्स सर्च बॉक्स, और ये सारे मेंबर्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ओके। मानी ये फादर नेम में भी नॉन नॉट इंप्लीमेंटेड एक्सेप्शन लग गया, तो वो हम सेट कर लेते हैं। मेंबर की क्लास है और फादर नेम, ये मेरे ख्याल में पर्सन की क्लास है। F12 दबाएंगे पर्सन में चले जाएंगे, और यहीं पे ही लगे हुए जितने नॉन इंप्लीमेंटेड, ये वो है जो हमने क्लास डायग्राम के ज़रिए से बनाए थे टू गेट और सेट वन, यहाँ पर भी गेट और सेट, और यहाँ पर भी सारे लग गए। अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए इंशाल्लाह ताला। टास्क मैनेज मेंबर्स सर्च, ठीक हो गया। तो ये मेंबर सर्च हो जाता है, यहाँ अब सर्च बॉक्स कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको कहा था कि हमने सारा पढ़ लिया, लिंक अभी तक नहीं पढ़ी, तो लिंक आज लगाते हैं इसके ऊपर सर्चिंग के लिए, ताकि हमें पता लग जाए कि लिंक कैसे लगे। हम जाते हैं और सर्च बॉक्स के ऊपर
ये जो इवेंट है इसके टेक्स्ट चेंज डिपार्टमेंट, टेक्स्ट चेंज में हम कह देते हैं वेयर मेंबर्स वेयर सेलेक्टेड इज इक्वल टू फ्रॉम एम मेंबर वेयर एम डॉट नेम डॉट टू आफ्टर डॉट स्टार्ट्स विद txt सर्च मेंबर डॉट टेक्स्ट डॉट सेलेक्ट तो अब हमने इसका अब इसने क्या किया फ्रॉम एम इन मेंबर्स अब इसने मेंबर्स में से एक एक वैल्यू उठाई और उसको एम में डाल दिया आगे एम पे कंडीशन लगाई है एम का जो नाम है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे और देखे कि वो शुरू तो नहीं हो रहा किससे जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं उसको भी अपर में कन्वर्ट कर दे जब दोनों अपर में हो जाए तो वो केस इनसेंसिटिव हो जाएगा दोनों ठीक है और फिर सिलेक्ट एम कर ले जो एम इस क्राइटेरिया को पूरा कर ले वो एम सेलेक्ट करके सिलेक्टेड में डाल तो सिलेक्टेड में वो सारी रोज आ जाएंगी जो रोज इससे शुरू हो रही होंगी जिनका नाम अब आगे फॉर ईच आइटम इन सेलेक्टेड सेलेक्टेड का एक एक आइटम उठा लेते हैं और लिस्ट ऑफ मेंबर टेम्प बना लेते हैं ठीक है और टेम्प डॉट एड ठीक है न्यू मेंबर और ठीक है और मेंबर का आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी और नेम इज इक्वल टू आइटम डॉट नेम फादर नेम इज इक्वल टू आइटम डॉट फादर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू आइटम डॉट कॉन्टैक्ट नंबर सी एन आई सी इज इक्वल टू आइटम डॉट सी एन आई सी और जेंडर इज इक्वल टू आइटम डॉट जेंडर और टाइप इज इक्वल टू आइटम डॉट टाइप फोटो इज इक्वल टू आइटम डॉट और इज इक्वल टू आइटम डॉट अब ये क्या करेगा एक नया मेंबर बनाएगा और उसको लिस्ट में डालता रहेगा और एंड पे हम क्या करेंगे दिस डॉट डी जी वी डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू चला दें एडमिन एबीसी यूजर नेम पासवर्ड और मैनेज मेंबर्स और सर्च मेंबर और मेंबर नेम की तरह उमर अजीज तो हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक हो गया तो ये सपोर्ट कर रहा है इसको हमें नजर आता है क्लियर कोई कंफ्यूजन है अब एक और आसान काम ये हो जाएगा कि हम ये जो टेम्प है ना टेम्प को ग्लोबल कर देते हैं ठीक है और
और यहाँ पे टेम्प दोबारा इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कह देते हैं टेम्प इज इक्वल टू मेंबर्स, और इधर भी टेम्प दे एडमिन एबीसी और टास्क मैनेज मेंबर्स सर्च मेंबर, और ठीक हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ओके दबाएं तो ये वापस आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्च के ऊपर पब्लिक पब्लिक मेंबर सेलेक्टेड मेंबर इज इक्वल टू सेलेक्टेड मेंबर और गेट, ठीक हो गया। ओके के पर इसको सेट कर लेते हैं। ओके का बटन जैसे दबाएगा इफ दिस डॉट डी जी वी डॉट करंट सेल डॉट रो इंडेक्स इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन माइनस वन, अगर ये माइनस वन नहीं है, अगर कोई रो सेलेक्टेड है नहीं है तो फिर माइनस वन होगा, अगर माइनस वन नहीं है उससे बड़ा है तो फिर ये क्या करेगा, सेलेक्टेड मेंबर को क्या दे देगा इज इक्वल टू न्यू मेंबर, एक मेंबर बना दे और सेलेक्टेड मेंबर इज इक्वल टू टेम्प डॉट डी जी वी डॉट करंट सेल डॉट रो। तो टेम्प का जो भी आइटम सेलेक्टेड है वो इसमें चला जाएगा सेलेक्टेड मेंबर में, और उसके बाद दिस डॉट इसका मतलब है उधर वैल्यू आ गई, और मेंबर वाले फॉर्म में हम कोई एक वैल्यू दिखा देते हैं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो एफ आर एम मैनेज मेंबर्स और व्यू डिज़ाइनर, और इसका जी जो सर्च वाला काम ख़त्म होगा तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि एफ आर एम सर्च मेंबर एफ एस एम इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर शो हटा देते हैं, वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट चाहिए क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसलिए अब अगली लाइन पे हम एफ एस एम डॉट शो भी नहीं करेंगे, डायलॉग करेंगे ताकि ये खुला रहे। अब इफ एफ एस एम डॉट सेलेक्टेड मेंबर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है इसका मतलब इसमें वैल्यू आई है, फिर हम क्या कह देते हैं दिस डॉट टी एक्स टी नेम टी एक्स टी हनी member name dot text is equal to fsm dot selected member dot, ये आ जाता तो समझो हम कामयाब हो, ठीक है। हम जाते हैं और admin और abc और टास्क में जाकर मैनेज मेंबर्स और सर्च और उमर अजीज़ आ गए। सर्च हम इधर लिखते हैं काशिफ और ओके दबाते हैं, काशिफ हो गया, इसका मतलब ये काम कर रहा है, कामयाब हो गया इधर। अब हम यही वाला सर्च बॉक्स अपना असल में जो काम करना था वहाँ लगाते हैं,
इशू बुक्स को ओपन नहीं किया अभी तक। हम जाते हैं और इशू बुक्स को ओपन करते हैं, एफ आर एम इशू बुक्स। इन कंट्रोल्स को नाम नहीं दिया अभी तक, पहले अपने डॉक्यूमेंट आउटलाइन से इनको नाम दे लेते हैं। बटन 7 है तो इसको मैं कह देता हूँ एफ क्यू बी टी एन सर्च बुक, और ये बी टी एन सर्च मैन, और ये बी टी एन लाइन, और ये डी जी बी इशू, और इसके कॉलम सारे नेम्ड हैं। अब ये बी टी एन सर्च और बी टी एन और बी टी एन और बी टी एन और एल बी एल 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 मेंबर और एल बी एल मेंबर और एल बी एल और एल बी एल ई एक्स टी मेंबर ई एक्स टी मेंबर ई एक्स टी अब हमने कंट्रोल्स को नेम दे रहे थे और टी एक्स टी ऑथर टी एक्स टी टाइटल टी एक्स टी टी एक्स टी इशू नंबर टी एक्स डी टी पी डेट टाइम पिकर इशू डेट। सारे कंट्रोल्स के नाम लगा दिए हमने और अब इनमें इधर सर्च मेंबर खोलना है तो इस पर जाते हैं और मैं कह देता हूँ एफ आर एम सर्च मेंबर एफ आर एम एस एम इज इक्वल टू सर्च मेंबर एफ आर एम एस एम डॉट शो डायलॉग if frmsm dot selected member is not equal to null, अगर ये null नहीं है तो क्या करेगा, this dot member to dot this dot txt member to dot text is equal to frmsm dot selected member dot id dot txt this dot txt member name dot text equal to fsm dot frmsm dot selected member dot name। तो ये इसे नाम ओपन करके दिखा देते हैं और दूसरा बुक ले आए एफ आर एम सर्च बुक्स एफ आर एम एस बी इज इक्वल टू एफ आर एम सर्च बुक्स एफ आर एम एस बी नॉट शो डायलॉग इफ एफ आर एम एस बी डॉट सेलेक्टेड बुक इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो फिर क्या करें, this dot txt book code dot text is equal to fsm dot selected dot code dot text this dot txt book title is equal to
for msp dot selected dot type. Okay, दोनों बॉक्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे पहले हमें मेन से इशू को दिखाना पड़ेगा. तो मेन फॉर्म हमारा कौन सा है, फॉर्म वन, और इसके टास्क में और इशू बुक्स के अंदर हम कहते हैं एफ आर एम इशू बुक्स एफ आर एम आई एस इक्वल टू न्यू आई बी इज इक्वल टू न्यू आई एम आई बी डॉट शू. ठीक हो गया, चलाते हैं इसको. एडमिन ए बी सी लॉगिन टास्क इशू बुक्स सर्च ओके सर्च ओके. तो ये बुक्स उपहार कर लिया. अगला है कि इधर हमें सर्च का बटन ना दबाना पड़े, हम एफ टू दबाएँ या एफ वन दबाएँ तो ये सर्च बॉक्स ओपन होगा. उसके लिए भी कोड मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि हम इशू बुक्स में जाते हैं और ये हमारा इसके इवेंट्स में जाते हैं और की प्रेस इवेंट की प्रेस में जाते हैं और यहाँ हम चेक कर रहे हैं की डॉट ई चार इज इक्वल टू कीज डॉट एफ वन. अगर ये एफ वन है फिर क्या करें, एफ आर एम सर्च नंबर एफ आर एम एस एम इक्वल टू एफ आर एम एस एम डॉट चला के देखिए एडमिन ए बी सी टास्क में जाके इशू बॉक्स और यहाँ मेंबर कोड में एफ वन दबा रहे हैं. हाँ जी, क्री प्रेस का इवेंट काम नहीं कर रहा, करना तो चाहिए इसको. बस अपने चले जाते हैं, यही कोड नहीं देते हैं.
तो दोनों काम हो गए इसके अंदर। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना है, कल फिर हम इसको डाटाबेस ऑपरेशंस करके देखेंगे कि कैसे से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टू सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल, एसटी लर्निंग ट्रेनिंग।